वेलकम बैक गाइस। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। कुछ लोगों का ये कहना था कमेंट के सेक्शन के जरिए, तो उन्होंने कहा था, ये पूछा था कि आखिर ये यूएई की जो वो लेडी है, प्रिंस है, ओवैसी साहब, क्या इन दोनों के बीच का जो ट्विटर पर वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इनके पीछे की दास्तां क्या है, कहानी क्या है। आइए उसे जानने की कोशिश करते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इन दोनों की दोस्ती से AIMIM ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रही है, क्या वैसे साहब और ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरेंगे। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर तलाश करने की कोशिश करते हैं। यूँ तो AIMIM का फ़ैन, और यूँ कह सकते हैं कि वैसे साहब ओवैसी के दोनों भाइयों का फ़ैन जो है पूरे दुनिया के अंदर है, और इसका सबूत इस बात से भी मिलता है। आप देख सकते हैं कि एक मैगजीन का एक आर्टिकल है, इसमें लिखा है कि NRI सपोर्टर्स कंपेन फॉर AIMIM, यानी कि बाहर के लोग भी MIM का सपोर्ट करते हैं, कंपेन करते हैं जब इलेक्शन का टाइम होता है, सोशल मीडिया के थ्रू, बाकायदा सऊदी अरब के अंदर, UAE के अंदर, कुवैत के अंदर, वहाँ पर ऑफिस के अंदर मीटिंग होता है कि किस तरह से AIM की फतेह हो जाए, या ओवैसी साहब की और भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचा सकें। तो ये साबित करता है कि इनका फ़ैन जो है गल्फ कंट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, और धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। लेकिन मामला कुछ इस तरह का है, ये कहानी हम लोग शुरू करते हैं। ये इस लेडी के पीछे का कहानी क्या है, इसका कहानी यह है कि जब जैसे कि भारत के बहुत सारे निवासी यूएई के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर रह रहे थे, और बहुत टाइम टू टाइम जो है वो जहर भरने वाली खबरें या जहर भरने वाली स्टेटमेंट मुसलमानों के खिलाफ वो बार बार अगेंस्ट में डाल रहे थे या दे रहे थे, बस जैसे तैसे करके उनके ऊपर निगाह पड़ी। और सबसे मजे की बात है, बहुत सालों पहले एक ट्वीट किया गया था, जो कि बीजेपी का एक लीडर था, लीडर है, उसी के द्वारा उन्होंने कहा था कि गल्फ कंट्रीज के अंदर, स्पेशली सऊदी अरब के अंदर, 99% जो महिला है वहां पर, वो जो बच्चे पैदा करती है वो बेसिकली प्यार का नतीजा नहीं है, वो सेक्स का नतीजा है। बस उस ट्वीट को लेकर और उन भक्तों के ट्वीट को लेकर इन लोगों की जो है थोड़ा सा तकलीफ हुआ इन लोगों को। और इन लोगों ने ये भी कहा कि पूरी दुनिया के अंदर भारत के लोग रहते हैं, हर जगह उनको इज्जत मिलती है, लेकिन इस तरह की जो है बातें या जहर उगलने वाली चीज़ें या नफरत फैलाने वाली साजिशें बर्दाश्त के बाहर है, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भारतीय गवर्नमेंट इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम भारत से रिश्ता भी ख़त्म कर लेंगे, जितने भी गुड्स और सामान वगैरह भारत से आता है हम लेन देन बंद कर देंगे, सारे गल्फ कंट्री, कुवैत वगैरह जितना सब कुछ बंद कर देगा। तो इससे हालांकि इफेक्ट तो पड़ा था, मोदी ने इसके बाद ट्वीट क्या तुरंत कि ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की खबरें बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर होगी। लेकिन इस तरह के जो इतनी बेबाकी से ये लेडीज बोल रही थी और उनको धमकी भी दे रही थी, उन भक्तों को स्पेशली, वो जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे थे, बस उसी बीच क्या था, उनमें से ही एक लेडी है, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आप तो बिल्कुल ठीक वैसे ही बोलती हैं जैसा ओवैसी बंधु बोलते हैं, जैसे ओवैसी ब्रदर्स बोलते हैं, आप उतने ही बेबाकी से, उतने ही निडर होकर, बेखौफ होकर, बिल्कुल आप दोनों का जो है मैचिंग जो है वो एकदम परफेक्ट है। तो बस इतना ही था, यानी कि वैसी ब्रदर से जब कंपेयर किया, तुलना किया, तो इसी प्रिज यानी इसी राजकुमारी ने पूछ लिया कि ये कौन है वैसी ब्रदर से, भाई वैसी बारे वैसी भाइयों के बारे में हमें भी बताओ। बस इतना पूछना था कि वैसी के बारे में बताओ, पूरे यूएई में जितने भी फैन थे AIMIM के, वैसी के इंडिया के अंदर जितने भी फैन थे, बस सब ने जो है वैसी की तारीफ करनी शुरू कर दी कि गरीबों के मसीहा, मुसलमानों के लिए अकेला आवाज उठाने वाला, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला, हक के लिए लड़ाई करने वाला, मुसलमानों के लिए जान कुर्बान देने वाला। बस इतने तारीफें हुई कि बस इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गई है कि आखिर इतने ज्यादा, इतना ज्यादा एकदम दिल से पसंद करने वाली है, आखिर ये है कौन। बस इन्होंने पूछ लिया, लोगों ने बता दिया कि ऐसे ऐसे है, इन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तो आई विल गूगल हिम, मैं उसको गूगल करती हूँ, मैं उसको पता करती हूँ, खोजती हूँ कौन है, और उन्होंने थैंक यू कहा। और उसके बाद उन्होंने गूगल किया, गूगल करने के बाद उनके बारे में जानकारी हासिल की, और जानकारी हासिल करने के बाद उनको फॉलो भी की, और फॉलो करने के बाद लोगों का शुक्रिया अदा भी की। और एक पेपर का टुकड़ा अगर मेरे पास मिल नहीं रहा है, मैं पढ़ा था कहीं पर, उसमें ये लिखा हुआ था कि इतना ज्यादा उसमें ये उसकी बहादुरी के बारे में लिखा हुआ था कि इतने बेबाकी जितने लोग इनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, वाकई में ये वो शख्स है जिसकी ज्यारत करना मेरी खुशनसीबी होगी, यानी जिनसे मीटिंग करना, विजिटिंग करना, जिनसे मुलाकात करना मेरी खुशनसीबी होगी, ये इनका स्टेटमेंट था। तो इस तरह से ये बताता है कि कितना ज्यादा अल्लाह ने इनको
शोहरत से, इज्जत से और नवाज रहे हैं वैसे साहब को, और ज़रूर इनका फ़ायदा होगा। और इस तरह से हमारी दुआ है कि ऐसे ही और भी बड़ी बेबाकी से हमारी रहनुमाई करें, रहबरी करें। बस आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बस इतनी सी ये कहानी थी, और इस तरह से कह सकते हैं कि अल्लाह ने दो ऐसे ही निडर और बेखौफ लोगों को आपस में इंट्रोड्यूस कराया, और वो चाहे ज़रिया एक सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, फ़िलहाल दोनों एक दूसरे के टच में हैं। शुक्रिया।